सोनीपत के स्वास्थ्य विभाग के पीएनडीटी टीम ने बालगढ़ के पास दो कोख के कातिलों का पर्दाफाश किया। टीम के सदस्यों ने एक महिला और एक पुरुष को लिंग जांच करवाने के एवज में 40,000 रुपए की नकदी के साथ पकड़ा है। दोनों दिल्ली एनसीआर के अलावा यूपी और गाजियाबाद में लिंग जांच करवाते थे। फिलहाल दोनों को पकड़कर राय थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया है। देखिए एक रिपोर्ट। सोनीपत की पीएनडीटी टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि फिम्स हॉस्पिटल के टेक्नीशियन दीपक लिंग जांच करवाते हैं, जिसके बाद उन्होंने एक नकली ग्राहक बनाकर उनके पास भेजा और लिंग जांच करवाने के लिए पहले 50,000 रुपए की डिमांड की गई और उसके बाद 40,000 रुपए में सौदा तय हो गया। नकली ग्राहक ने तय कीमत के मुताबिक 40,000 रुपए फिम्स हॉस्पिटल के टेक्नीशियन दीपक को दे दिए। दीपक ने पानीपत के करहंस गांव की रहने वाली मीना को बुलाया, जिसके बाद 25,000 रुपए मीना को दिए गए। पूरे मामले में टीम के सदस्यों ने युवक दीपक और मीना को पैसों के साथ पकड़ लिया, जिसके बाद कैमरे के सामने खुद मीना ने कबूला है कि वो इससे पहले भी लिंग जांच करवा चुकी है। कहाँ की रहने वाली हो? करहंस गांव से। क्या क्या करते थे आप ये पैसे लेके? सर ये तो नहीं जा रहे थे सर। है? दिल्ली जा रहे थे। क्या करते थे इन पैसों का? दिल्ली बेटा किस लिए जा रहे थे? किस लिए क्या काम जा रहे थे दिल्ली ये बताओ। सच बताओ। सच बताओगे तो ठीक है। क्या चेक करवाते थे? क्या चेक करवाते थे? पहले कितने करवाए? तीन चार करवाए। कितने पैसे लेते थे पहले? 3,000 आपको। आगे कितने देते? टोटल कितने देते हैं? टोटल का तो मैडम वो कभी कितने? अब 25 तो आपके यहाँ से आगे कितने दे लेते तुमने उसको? 21 भी ले लेते हैं मैम, 22। कितने मतलब वहाँ कितने पैसे दे चुके हो अभी तक आगे टोटल? क्या बताते हो लड़का लड़की बता देते हो? वो आप ही बताते हैं सर, मैं क्या बताऊँ क्या बताऊँ, जो बताते हैं वही। अच्छा वहाँ कितने में सौदा तय किया था आपने? सर वो 21 ले लें 22। अच्छा 3,000 रुपये के ऊपर ये काम करते हो। पूरे मामले में डॉक्टर आदर्श ने बताया कि युवक दीपक और महिला मीना को रंगे हाथों पकड़ा है और दोनों से 40,000 भी बरामद कर लिए गए हैं। युवक दीपक से 15,000 और महिला मीना से 25,000 रुपए बरामद किए गए हैं। आज हमारे पीएनडीटी सेल को खबर थी भी एक फिल्म हॉस्पिटल में एक रेडियोग्राफर है जो लिंग जांच कराता है, उससे बातचीत पहले 50,000 में हुई, फिर हमने डिपॉय प्रैक्टिशनर लेडी को उसके पास भेज दिया, तो आज थोड़ा भाव तोल करने के बाद वो 40,000 में उसने सौदा हाँ कर ली। 40,000 ले के फिर उसने मीना नाम की एक और औरत को बुलाया, जिसमें 15,000 ये खुद रखता था जो दीपक है फिल्म में काम करता था, 25,000 उसको देता था मीना को। तो इनके दिल्ली में या गाजियाबाद में कई जगह जाते थे, ये एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता रहे थे कहाँ जाते हैं। तो जैसे फिर इनसे पूछताछ में पता चला 15,000 तो दीपक ने अपने हिस्से के रखे थे, और जो 25,000 मीना लेके जाती थी उसमें से तकरीबन हर केस में 3-4,000 इसको हिस्सा मिलता था, बाकी जहाँ पे अल्ट्रासाउंड होते वो लेते थे। सर यह महिला कई लंबे समय से हाँ काफ़ी इसका हमने व्हाट्सएप देखे जिससे इसके कॉन्टैक्ट थे कोई है, तो उस पर काफ़ी लोगों की करा चुकी है ये, वो खुद एडमिट भी किया इसने। एक माने तो कोख की खातिर है। हाँ ये काफ़ी कोई नया नहीं, पुराना इनका काफ़ी लंबे खेल चल रहा था, ये किस्म का गिरोह का बांधाफोड़ किया है। हाँ बाकी अभी पुलिस आहिस्ता आहिस्ता निकाल लेगी कहाँ कहाँ किस किस ने करवाया कहाँ कहाँ हो। फिलहाल दोनों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अब पुलिस दोनों को कोर्ट में पेश कर आगे की जांच शुरू करेगी। सोनीपत से पवन सिंह की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।